अस्सलाम वालेकुम साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल तूरी। किस तरह से बनाइए आइए देखते हैं। स्पून अदरक लहसुन ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब डाल रही हूँ ये ऑनियन पेस्ट। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। 4 टेबल स्पून डालेंगे ऑनियन का पेस्ट। चार टेबल स्पून इसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून गरम मसाला साबित, नमक हसब ज़रूरत, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 पिंच हल्दी पाउडर और ये 3 अदद टमाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यह है दाल चना 1/2 कप। इसको मैंने धो लिया था, भिगोया नहीं था, सिर्फ धोया था इसको। ये भी इसमें डाल देंगे। इसमें डाल दें, अच्छे से मिक्स करें इसको। पाँच मिनट के लिए यहाँ हल्की आंच पे हम पकाने के लिए रखेंगे। हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ ये 1/2 kg तूरी। ये भी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे। अब इसको मैं 1/2 घंटे के लिए बिल्कुल ही लो आंच पे मैं यहाँ पे इसको पकाने रखूँगी तूरी का। और ये जो हमने टमाटर डाले हैं इसके पानी में ये जो दाल है वो गल जाएगी। फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसमें ये 1 कप पानी का डाला है। अब दोबारा से मैं इसको पकाने रख रही हूँ। ये देखिए 1/2 घंटा हो चुका है, इसका ज़्यादातर पानी सूख चुका है। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ये देखिए टमाटर और ये जो दाल चना है ये भी गल चुके हैं। अब इसकी थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ करूँगी और इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ। ये है मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें, काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया, ये थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अब इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। भुनाई कर रहे हैं इसकी। व्यूअर्स, ये देखिए इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था, इसका ऑयल निकल आया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा हरा धनिया। इसको भी इसके साथ मैं मिक्स करूँगी और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये दाल तूरी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।